तो क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? तो अगला एक मिनट आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं। तो मुझे एक बात बता, ये बीज क्या होता है? बीज मधुमक्खी वाले नहीं, ETF। तो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल भाषा में समझते हैं, एक ऐसी चीज जो आपके लिए मल्टीपल स्टॉक्स होल्ड करके रखती है। हाँ, म्यूचुअल फंड, बट जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बट नॉट द सेम। तो इसे बीज क्यों बोलते हैं? बीज मल्टीपल जगहों से चीजें लेती है, एक जगह पे स्टोर करती है, सेम यहाँ भी होता है, इसीलिए इसे बीज बोलते हैं। ETF बहुत ज्यादा महंगे आते हो, ऐसी चीज नहीं है। ETF बहुत ज्यादा सस्ते आते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टॉक्स होल्ड करते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये म्यूचुअल फंड नहीं है, तो ये आता कहां से? ETF एक म्यूचुअल फंड कंपनी ही मार्केट में उतारती है। यहाँ पे आपको गोल्ड और इक्विटी के मल्टीपल बास्केट में पैसा डालने के मौके मिलते हैं, जैसे ITBs हो गया, फार्मा बीज हो गया, निफ्टी बीज हो गया, ये इक्विटी के बीज है। और उसके बाद एक मेन आता है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज गोल्ड को ट्रैक करता है, एंड गोल्ड बीइंग गोल्ड सबका फेवरेट है और गिरते मार्केट से सबसे बड़ा हेज है। तो म्यूचुअल फंड के अलावा आप ETF को देख सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है, ये आपको मार्केट प्राइस पे मिलता है। और ETF लेते हो लिक्विडिटी का जरूर से ध्यान रखना। और क्या आप ETF होल्ड करते हो, ये हमें कमेंट सेशन में बताइए।